दोस्तों, कौन जानता था कि कुछ ही सालों पहले अस्तित्व में आई एक कंपनी पूरी दुनिया पर राज करेगी और देखते ही देखते लोगों की आदतें बन जाएगी। मैं बात कर रहा हूं दुनिया के सबसे ज्यादा मोबाइल फोन्स में यूज किए जाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड के बारे में, जिसके बिना हमारी जिंदगी तो अब अधूरी सी लगती है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या फिर आपकी कोई भी पसंदीदा ऐप, जिसे कि अगर आप बड़े आराम से आज यूज कर पा रहे हैं तो वह इसी ओएस की खोज की वजह से ही है, जिसे डेवलप करने की शुरुआत 2003 से हुई और 2008 में लॉन्चिंग के बाद से ही इसने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और आज एंड्रॉयड कुछ इस तरह से एक्सपेंड हो चुका है कि फोन्स के अलावा भी इसे टीवी, स्मार्ट वॉच, गेमिंग कंसोल और डिजिटल कैमरा के जैसे ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में भी यूज किया जा रहा है। और फिलहाल एंड्रॉयड की ग्लोबल फोन मार्केट में 80% से भी ज्यादा की हिस्सेदारी है। तो चलिए दोस्तों, हम डिटेल में जानते हैं कि एंड्रॉयड कैसे शुरू हुआ और आज यह किस मुकाम पर पहुंच चुका है। तो दोस्तों, एंड्रॉयड को डेवलप करने की शुरुआत होती है अक्टूबर 2003 से, जब चार लोगों ने एक साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट पर काम करना स्टार्ट किया। और उन चारों लोगों का नाम था एंडी रूबिन, रिच मिनर, निक सियर्स और क्रिस व्हाइट। दरअसल शुरुआत में कंपनी का मकसद डिजिटल कैमरे के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करना था और इसी प्लानिंग के साथ उन्होंने इन्वेस्टर्स से भी पैसे ले लिए थे। लेकिन बाद में कंपनी को लगा कि कैमरे का मार्केट उतना बड़ा नहीं है, इसीलिए उन्होंने कंपनी शुरू करने के 5 महीने के बाद ही प्लान चेंज कर दिया और मोबाइल के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने का फैसला किया। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आई कि इस कॉन्सेप्ट को इन्वेस्टर्स को समझाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और उन्होंने अपने हाथ पीछे खींच लिए थे। और उस टाइम पैसों की समस्या इतनी हो गई थी कि एंडी रूबिन ने अपने एक फ्रेंड से $10,000 उधार में लिए थे। और फिर धीरे धीरे आगे चलकर कंपनी सही तरीके से काम करने लगी और जब यह कॉन्सेप्ट सफल होता दिखाई दे रहा था तो इस पर गूगल की भी नजर पड़ी और इस कंपनी को एक्वायर करने के लिए गूगल का ऑफर आया, जिसके बाद जुलाई 2005 में यह डील करीब $50 मिलियन में फाइनल हुआ। और फिर एंड्रॉयड इंक के कुछ बड़े एम्प्लॉयज जैसे रूबिन, मिनर और व्हाइट ने भी गूगल ज्वाइन कर लिया। वैसे तो 2007 में जब एंड्रॉयड को टेस्टिंग के लिए लॉन्च किया गया तो लोगों से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, लेकिन यह कह पाना मुश्किल था कि मौजूदा फोन कंपनियां अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलने के लिए तैयार होंगी या नहीं। इस टाइम एंड्रॉयड की सबसे बड़ी चिंता नोकिया और माइक्रोसॉफ्ट जैसे स्मार्टफोन्स जो कि बाजार में पहले से जमे हुए खिलाड़ी थे उनका सामना करना था और यह कंपनियां एंड्रॉयड को बड़े हल्के में लेकर चल रही थी। और फिर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम से लैस पहला स्मार्टफोन एचटीसी ड्रीम था, जिसे कि टी मोबाइल जीवन के तौर पर भी जाना जाता था और गूगल ने इसे 23 सितंबर 2008 को अनाउंस किया था। और फिर देखते ही देखते यह ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्चिंग के बाद से ही पूरी दुनिया के मोबाइल फोन्स पर राज करने लगी। 2009 में एक रिसर्च करने वाली कंपनी के अनुमान के हिसाब से दूसरी तिमाही में एंड्रॉयड के पास दुनिया भर में स्मार्टफोन का 2.8% मार्केट शेयर था, जो कि 2011 के तीसरी तिमाही तक बढ़कर करीब 52% पहुंच चुका था। और इस तरह से इस ऑपरेटिंग सिस्टम ने फोन और टैबलेट में यूज किए जाने वाले सभी ऑपरेटिंग सिस्टम को पीछे छोड़ दिया था और मई 2013 तक 48 बिलियन बार एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा चुका था। और फिर 2014 के आंकड़ों की तुलना में 26% की बढ़ोतरी के साथ 1 बिलियन से भी ज्यादा लोग एंड्रॉयड के यूजर बन चुके थे, जो कि iOS से 4 गुना और माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम से करीब 3 गुना ज्यादा थे। और फिर इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मई 2017 में 2 बिलियन मंथली एक्टिव यूजर होने के साथ ही एंड्रॉयड ने सबको हैरत में डाल दिया। और एंड्रॉयड की लोकप्रियता को देखते हुए लाजमी है कि यह आंकड़े अभी और भी नई ऊंचाइयों को छूने वाले हैं। एंड्रॉयड का ग्रीन लोगो जो आप हर जगह देखते हैं उसे ग्राफिक डिजाइनर इलीना ब्लॉक ने डिजाइन किया था। और आपने शायद यह भी ध्यान दिया हो कि एंड्रॉयड का हर नया वर्जन किसी न किसी डिजर्ट यानी मिठाई के नाम के साथ आता है, जैसे कपकेक, डोनट, इक्लेयर, किटकैट और जो भी अभी तक अवेलेबल हैं वो सभी। और इसके पीछे गूगल ने यह वजह बताई है कि ये डिवाइसेस हमारी जिंदगी को इतनी मीठी बनाती हैं, इसीलिए हर नए एंड्रॉयड वर्जन को किसी डिजर्ट के नाम पर रखा जाता है।
तो दोस्तों यह थी हमारे और आपके फोन्स में यूज होने वाली ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड की कहानी। उम्मीद है कि आपको यह जरूर पसंद आई होगी। और दोस्तों आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके मोबाइल फोन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।